दोस्तों अब आ चुका है मिक्सर ग्राइंडर का बाप। इसने सुजाता मिक्सर ग्राइंडर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिट के इस मिक्सर ग्राइंडर की। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ सुजाता डायनामिक्स के साथ इसको कंपेयर करके भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है ऑर्बिट का ये मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों बहुत दिनों से सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के मामले में बेताज बादशाह बना हुआ था। इसे टक्कर देने वाला कोई भी मिक्सर ग्राइंडर अब तक मार्केट में नहीं था, लेकिन ऑर्बिट ने लॉन्च कर दिया है सभी मिक्सर ग्राइंडर का बाप। मिक्सर ग्राइंडर का बाप लॉन्च कर दिया है, आप देख सकते हो। यह है ऑर्बिट 1200 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर। ऑर्बिट का ये मिक्सर ग्राइंडर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर आप ऑर्बिट की ब्रांडिंग देख सकते हो और ये है मोर पावरफुल 1200 वॉट डबल बॉल बियरिंग मोटर। डबल बॉल बियरिंग मोटर इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल है किचन प्लेटिनम। इसके अलावा इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। प्रोफेशनल सीरीज 1200 90 मिनट कंटिन्यूस वर्किंग, इसे आप 90 मिनट तक लगातार यूज कर सकते हो। फ्री वन पीस यूनिवर्सल कपलर, 2 ईयर्स की वारंटी हमें इस प्रोडक्ट पर मिल रही है। साथ ही साथ 26,000 RPM इसकी मोटर निकाल देती है। और बॉक्स के इस साइड आप देख सकते हो किचन प्लेटिनम 1200 वॉट। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, पावरफुल मोटर फॉर क्विक एंड ईजी यूज। यहाँ पर इसकी सारी टेक्निकल डिटेल देखने को मिल जाती है। मंथ एंड ईयर ऑफ मैनुफेक्चरिंग है January 2021, MRP है 3,380 रुपीज, लेकिन इस समय आपको ये 3,000 रुपीज में मिल जाएगा। इसे आप ऑर्बिट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर Amazon और Flipkart से भी परचेज कर सकते हो। इनके बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड। इस प्रोडक्ट पर हमें 2 साल की वारंटी दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, सारी डिटेल आप इस यूज़र मैनुअल के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सल कपलर दिया गया है। अगर आपका कपलर ख़राब हो जाता है तो किसी भी जार में आप इसे लगा सकते हो। ऑर्बिट का ये मिक्सर ग्राइंडर 3 जार के साथ आता है। पहला जार है 0.5 लीटर का चटनी जार, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। SS304 स्टेनलेस स्टील यहां पर दी गई है। अगर हम इसके ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग की गई है। फिनिशिंग काफी बढ़िया है, साथ ही साथ काफी मजबूत जार मुझे ये लग रहा है। और जार के नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहां पर इसका कपलर दिया गया है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सल कपलर दिया गया है। मान लीजिए कभी ये कपलर खराब हो जाता है तो आप उसे यूज कर सकते हो किसी भी जार के साथ। और ये है इसका लिड, इसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया लग रही है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक कैप दी गई है। अगर आप जैसे चटनी वगैरह बना रहे हो, आपको पानी वगैरह ऐड करना हो तो आप यहां से कर सकते हो। यहां पर हमें एक कैप देखने को मिल जाती है। इसके लिड की क्वालिटी भी काफी बढ़िया लग रही है। और यह है 1 लीटर का ड्राई ग्राइंडिंग जार। इसके अंदर आप हार्ड से हार्ड मसाले भी पीस सकते हो। सबसे हार्ड मसाला होता है हल्दी, आज हम हल्दी भी ग्राइंड करके देखेंगे। ये भी हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। चटनी जार की तरह ही इसकी क्वालिटी है, सेम क्वालिटी यहां पर दी गई है। नीचे की तरफ हमें यहां पर इसका कपलर दिया गया है। अगर इसके ब्लेड की बात करें तो इसका ब्लेड आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ब्लेड हमें यहां मिल जाता है। ब्लेड भी पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अगर हम इसके लिड की बात करें तो लिड की क्वालिटी भी काफी बढ़िया यहां पर दी गई है। इसके अलावा यहां पर भी हमें एक कैप देखने को मिल जाती है। अगर आपको मसाले ग्राइंड करते समय कुछ ऐड करना हो तो वो आप यहां से कर सकते हो। और अगर बात करें इसके तीसरे जार की, ये है 1.5 लीटर का वेट ग्राइंडिंग लिक्विडाइजिंग जार। इसके अंदर आप वेट ग्राइंडिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। ये भी पूरी तरह से सेम स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसके ब्लेड का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इसका कपलर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया ग्रिप वाला हैंडल भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी ग्रिप काफ़ी बढ़िया लग रही है। पूरी तरह से ये प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर इसके लिड की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट
कार्बोनेट से बना हुआ है, नॉन ब्रेकेबल लिड यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पर एक कैप देखने को मिल जाती है, यहाँ से हमें पानी वगैरह ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीन लॉक्स दिए गए हैं, इससे ये प्रॉपरली लॉक हो जाता है, प्रॉपरली सील हो जाता है। जब आप इसे यूज कर रहे हो तो खुलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये है इसकी मेन यूनिट, यहाँ पर हमें ऑर्पेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 1200 वॉट पावरफुल मोटर, 26,000 RPM ये मोटर निकाल देती है। डबल बॉल बियरिंग इसके अंदर दिया गया है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर 3 स्पीड कंट्रोल नॉब हमें देखने को मिल जाती है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके अलावा यहाँ पर हमें विप का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं इंच। यहाँ पर विप का ऑप्शन भी हमें दिया गया है, इससे आप इसे विप भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें ब्लू और व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। और डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है, काफी यूनिक डिजाइन है, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। स्पेस भी ये काफी कम घेरेगा, आप अपने किचन की स्लैब पर जब आप इसे रखोगे तो वहां पर ज्यादा स्पेस ये घेरने वाला नहीं है। और यहाँ ऊपर की तरफ इसका ड्राइविंग कपलर दिया गया है। अगर हम इसके नीचे की बात करें तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक रीसेट बटन दिया गया है। इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन दी गई है, यानी अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर ओवरलोड हो जाता है तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, और आपको यहाँ से जब आप इसे रीसेट कर दोगे तो मिक्सर ग्राइंडर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें एंटी स्किड लैग दी गई है, जिसके ऊपर वैक्यूम कप्स लगे हुए हैं। अगर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को स्लैब पर रखते हो तो बिल्कुल भी ये इधर उधर भागने वाला नहीं है, पूरी तरह से स्टेबल रहता है। जैसे मैंने यहाँ रखा है, अगर आप इसे उठाओगे तो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरह से स्टेबल रहता है। तो अब हम इस मिक्सर ग्राइंडर से सबसे हार्ड मसाला ग्राइंड करके देखेंगे। आप देख सकते हो हल्दी सबसे ज्यादा हार्ड मसाला होता है, इसे हम ग्राइंड करके देखेंगे। साथ ही साथ ये है सुजाता डायनामिक्स, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उसे आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हो। आज हम इसके अंदर भी हल्दी ग्राइंड करके देखेंगे और सुजाता और ऑर्पेट के इस मिक्सर ग्राइंडर को कंपेयर भी करके देखेंगे। और हल्दी को ग्राइंड करते समय आपको ध्यान रखना है, इतने बड़े बड़े पीस नहीं डालने हैं, इसको आपको छोटे छोटे पीस में तोड़ लेना है, क्योंकि इतने बड़े पीस अगर आप डाल दोगे तो कोई भी मिक्सर ग्राइंडर होगा उसका ब्लेड टूटने का खतरा रहता है। देख सकते हो यहाँ पर हमने हल्दी ले ली है। तो देखते हैं इसने हल्दी को कैसा ग्राइंड किया है, इसे बाहर निकालते हैं। इसने पूरी तरह से हल्दी को प्रॉपरली ग्राइंड कर दिया है। हल्दी सबसे हार्ड मसाला होता है, लेकिन इसने प्रॉपरली इसे ग्राइंड कर दिया है, देख पा रहे होगे आप। और अब बारी आती है सुजाता की, तो सुजाता को भी ऑन करके देखते हैं और इससे भी ग्राइंड करके देखते हैं हल्दी। तो इसने भी हल्दी को प्रॉपरली ग्राइंड कर दिया है। तो दोस्तों दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर ने हल्दी को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, दोनों ही काफी पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है। अगर बात करें इनके डिफरेंसेस की तो सबसे बड़ा अंतर है इनकी कीमत में। सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर आपको लगभग 6,000 रुपए मिलेगा, जबकि ऑर्पेट का ये मिक्सर ग्राइंडर आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगा। और अगर बात करें इनके मोटर्स की तो सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के अंदर 900 वॉट की ड्यूल वॉल्व बियरिंग्स के साथ मोटर दी गई है, जो कि 90 मिनट तक कंटिन्यूअस आप इसको चला सकते हो, लगातार चला सकते हो। अब बात करते हैं ऑर्पेट के मोटर की, तो ऑर्पेट के अंदर 1200 वॉट की मोटर दी गई है, जो कि ड्यूल वॉल्व बियरिंग के साथ आती है, और इसके अलावा आप इसे 90 मिनट तक लगातार चला सकते हो। अगर बात करें इनके आरपीएम की तो सुजाता के अंदर 22,000 आरपीएम मिलता है, जबकि ऑर्पेट के अंदर 26,000 आरपीएम यहां पर इसकी मोटर निकाल देती है। तो दोस्तों इससे साफ साफ पता लग रहा है कि ऑर्पेट का मिक्सर ग्राइंडर सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर से ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ऑर्पेट मिक्सर ग्राइंडर की कीमत सुजाता मिक्सर ग्राइंडर से आधी है।
अगर आप इस मिक्सर ग्राइंडर को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। दोस्तों इन दोनों में से कौन सा मिक्सर ग्राइंडर आपको ज्यादा बढ़िया लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।